बस ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। गाइज आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और अभी हम पार्लर जा रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि मैं पार्लर मेकअप करने जा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज पार्लर मेकअप करने नहीं, मेकअप कराने जा रही हूँ। चाहिए मैं थोड़ी सी लाइट चला देती हूँ। तो मेकअप करने नहीं, मेकअप कराने जा रही हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मेरे पार्लर में मेकअप कौन करेगा, तो मैं आपको बता दूँ कि आज मेरे हस्बैंड मेरा मेकअप करने जा रहे हैं और वो इस वीडियो को बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, मगर मैंने किसी भी तरीके से उनको कन्विंस किया है कि नहीं यार बना दो बना दो बना दो। तो फाइनली वो थोड़ा बहुत कन्विंस हो गए हैं और आप देख सकते हैं, ये देखिए मेकअप के सारे आइटम लेके जा रहे हैं मेकअप में, क्योंकि हम वहाँ अंदर हीटर लगा हुआ था तो मैंने सोचा कि वहाँ पे ही थोड़ा सा कटसूट करते हैं, फिर वहाँ पे हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि ये कह रहे थे बैठने में हमको दिक्कत होगी। तो फाइनली हम लोग पार्लर जा रहे हैं और मेकअप आज इनके हाथों से होने वाला, देखते हैं कि ये आखिर में मुझे क्या बनाते हैं मेकअप करके। तो फाइनली हम लोग पार्लर आ चुके हैं और यहाँ पे मेरी लाइटिंग के लिए रिंग लाइट लग चुकी है और मेरे मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे है और मैं आपको दिखा दूं कि प्रोडक्ट अपने सजा चुके हैं, इतने ढेर सारे प्रोडक्ट इन्होंने सजाए हैं मुझे मेकअप करने के लिए। और ये क्या करते हैं मुझे नहीं पता है, और मैं थोड़ा बहुत लिपस्टिक उस्टिक लगाई हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि मैं सब इनसे रिमूव करवाऊंगी और पूरी तरीके से इन्हीं से मुझे मेकअप कराना है और देखिएगा कि रिजल्ट क्या आता है, क्या कर पाते हैं। आज बहुत मजा आने वाली है सच में। देखो तुम्हारे में करेंगे पहले सीडीएम क्लीनिंग टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर, ठीक है? टोनर और मॉइस्चराइजर इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा फेस है ना बाकी डिहाइड्रेट है। मतलब फ्रेंड्स इनका कहने का मतलब है कि मेरा फेस बहुत डिहाइड्रेट है, इस वजह से ये मेरे फेस पे टोनर लगा रहे हैं। तो टोनर धीरे धीरे ठीक है लगाने दो। अरे आदमी नहीं है कि दाढ़ी साफ कर रहे हो इससे डस्ट फट जाएगा जो डस्ट नहीं क्रीम लगी है मेरे फेस पे। अरे वो सब साफ हो जाएगा, फेस साफ कर देंगे ना तब उसपे मतलब मेकअप वगैरह करेंगे बढ़िया होगा। इसके बाद हम लगाएंगे तुम्हारे मॉइस्चराइजर। ओके ये रहा तुम्हारा मॉइस्चराइजर जो तुम्हारे फेस पे मैं लगाने जा रहा हूँ, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा लगाएंगे। भाई मैं एक चीज बोलूँ सर? बोलिए मैम। बिंदी हटा दी जाती है मेकअप करने के पहले। हाँ लगा दो लगा दो। ओ सही से करो। अरे ठीक है यार ऐसे ही किया जाता है। सर आप ठीक से नहीं करे, बहुत हार्डली आप प्रेस कर रहे हैं। अरे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, शांति से बैठी रहो। आप कस्टमर के साथ ऐसे बात नहीं कर सकती है, आपको पेमेंट लेनी है ना। पेमेंट तो लेनी है। ये पोछा मत लगाइए सर यार तुम करने दो कि नहीं करने दो। उफो नहीं यार सही से लग जाएगा, मॉइस्चराइजर हो गया यार। आई शेडो के लिए कंसीलर। तो सर ये आप बताते जाइए मेरे फ्रेंड्स को कि आप किस ये कंसीलर पैलेट लिए हैं, ताकि इसके आई शेडो का जो ऊपर का आईलिड एरिया होता है उसमें अगर हम लगाएंगे तो जो हमारा आई शेडो निकल के आएगा वो बहुत ही खूबसूरत बन के आएगा। ओके तो सर इसमें लाइट कलर का कंसीलर लगा रहता है? हाँ इसमें लाइट कलर लगाएंगे तभी तो उसमें कोई भी कलर फिल करेगा ना तो निखर के आएगा इसपे। ओके ओके मुझे पता नहीं था मैं इसलिए पूछ रही थी। अभी पता चल जाएगा तुमको। जी जी जी। ओ माय गॉड कितना सफेद कर दिया आपने। अरे सफेद नहीं ऐसे ही किया जाता है। सर कभी मेकअप नहीं कराया ना इसलिए। अच्छा मेकअप नहीं कराया? नहीं नहीं। अच्छा सर अच्छा करिएगा। बिल्कुल अच्छा करेंगे, अपनी आंखें बंद करो तुम बस बताएं। सर दीपिका पादुकोण बनाइएगा। अरे तो दीपिका पादुकोण की बुआ की लड़की बना देंगे तुम्हारा। दीपिका पादुकोण देखी है? जी सर जी सर। सर ट्रस्ट है तभी आपके पास आई हूँ। अच्छा अच्छा देखो ट्रस्ट कैसे काम करता है। सर आप इतने बड़े मेकअप आर्टिस्ट थे इसी वजह से मैंने सोचा इस वीडियो को शूट करें, और मेरी बहुत फ्रेंड्स ऐसी हैं जो मेकअप करना बिल्कुल नहीं जाती, तो सर आज की वीडियो में वो सीख रही होंगी आपसे। आज काफी कुछ सीख जाएंगी। जी 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 जी। तो कोई काम आसान मुश्किल नहीं है, सब आसान है। सब आसान। सर आप ब्लैक कलर की अपनी पेंसिल लगा रहे हैं? ब्लैक नहीं नेचुरल ब्राउन कलर। सर ब्राउन क्यों लगा रहे हैं? ताकि नेचुरल आए। आने जा रहे हैं सिस्टी की आंखों में आई शेडो, तो आई शेडो के लिए हम ये कलर उठाएंगे और इनके आईलिड एरिया पे लगाना स्टार्ट कर देंगे।
मैं चाहती हूँ कि आप कैमरा को पास में लेके आइए, जिसे दिखा सके कि ये कैसे कर रहे हैं। क्या आप एक ही कलर की आईज बनाएंगे? अब आप देखते जाओ, फाइनली टचअप मेरा देखना क्या है, इसके आईलिड एरिया पे पूरा लगाएंगे इसको। जी आग पे भी लगा देंगे। इसके बाद लेंगे हम गोल्डन, लगाएंगे तुम्हारे आईज के आई बॉल पे। आई शेडो, बस आई शेडो लग गया तुम्हारा कंप्लीट। अब मुझे लगाना है सेकंड स्टेप इसका आईलाइनर का। तो आईलाइनर के लिए हम लेंगे इस कलर। ये कौन से कलर का आईलाइनर लगाओगे? तुम्हारे आउटफिट का है ये। फ्रेंड्स ये देखिए, इस कलर का आईलाइनर लगाने जा रहे हैं मुझे। लगा के दिखाएंगे, न अच्छा लगे तो पैसा वापस। पैसा वापस क्या, ये कैसा लाइनर है? मुझे चेक करने दो, मुझे चेक करने दो थोड़ा सा। देख लो देख लो देखो यार, गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हुआ बताओ? ये वाला विंग देखो, यहाँ तक का ये देखो, यहीं पे यहाँ पे इतना छोटा सा, मतलब एक लंबी लगेगी आंखें, एक छोटी लगेगी आंखें। अभी कर रहे ना, तुमने तो रोक दिया ना मुझे, करने तो दो मुझे फाइनली। ये थोड़ा सा यहाँ तक लेकर जाओ। हाँ ठीक है। हीरोइन बन जाओ। ये क्या लगा रहे हैं? ये फाउंडेशन। सर आपने मेरा फेस को करेक्ट नहीं किया, मतलब। अरे यार भूल गए। चलो ठीक है, हम एक नए तरीके से हम आपको दिखाएंगे कैसे मेकअप किया जाता है, सिंपल तरीके से, केवल फाउंडेशन से ही मेकअप करना हम सिखाएंगे। ठीक है, ये मैंने तुम्हारा लगा दिया मेकअप। और ये रहा ब्यूटी ब्लेंडर, जिससे हम इस चेहरे को ब्लेंड करेंगे डैब 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 करके। आप भी जान लीजिए, जिनका गोल फेस होता है उन पे कंट्रोल की जरूरत होती है, इनका नहीं होता। इनका देखिए दरअसल पहले से आम जैसा बना हुआ है। लंबा फेस, ओवर साइज वाले फेस पे कंट्रोल की जरूरत होती है। तुम्हारे पे नहीं होती, लगेगा हाइलाइटर। हाइलाइटर लगाने के लिए हो गया।
तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं ये स्ट्राइप का टॉप पहनी हूँ, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन लेने की कोशिश किया गया है, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी हेयर स्टाइल बना रहे थे और इन्होंने सोचा कि मेरे बालों में कर्ल कर दे, क्योंकि इनको मतलब बहुत ज़्यादा जूड़ा उड़ा बनाना नहीं आता है, तो इनको कर्ल करना बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मेरे पार्लर में कर्ल करना और क्रिम्पिंग मशीन चलाना इस टाइप का सारा काम ये यही करते हैं, तो इनको अनुभव है मेकअप का थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा बिगनर है, मतलब बिगनर तो है ही, ये नहीं कह सकते हैं सॉरी, मगर हाँ ये है कि मेकअप का थोड़ा बहुत अनुभव है, मुझे देख देख के ये सीख रहे हैं कहीं ना कहीं। और आप बताइएगा ज़रूर फ्रेंड्स कि ये कैसा मेकअप किए हैं, और इन्होंने बहुत मतलब प्यार से किया है इसको, और ये बहुत फनी अंदाज के हैं। हम दोनों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत फनी है, हम लोग बहुत फ्रेंडली एक दूसरे के साथ रहते हैं, और हम लोग का कपल कैसा लगता है, हम लोगों का एक दूसरे के साथ रहने का स्टाइल कैसा लगता है, सब कुछ आज आप बताइएगा कमेंट करके। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ इतना फ्रेंडली रहते हैं, मतलब हमको लगता ही नहीं कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, मुझे लगता है मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ हूँ। और यहाँ पे इन्होंने कर्ल करने के बाद यहाँ पे फाइनली मुझे इयररिंग पहनाने लगे, मैंने कहा मैं पहन लूँगी, मगर इन्होंने कहा नहीं, मैं जब सब कुछ किया हूँ तो मैं अपने हाथ से सब कुछ करूँगा। और ये देखिए मैं कितनी प्यारी सी लग रही हूँ, मुझे फाइनली इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा था। तो आप देख सकते हैं फाइनली इन्होंने मेकअप मेरा डन कर दिया है, और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं लगाया, केवल एक नॉर्मल सा क्या लगाए थे, फाउंडेशन लगाया था, फाउंडेशन लगाए थे। और बहुत करीब से मैं आपको दिखाती हूँ, एकदम करीब से दिखाती हूँ, और देखिए इन्होंने ब्लू कलर का लाइनर लगाया है, फिर भी ठीक लग रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मैच तो नहीं कर रहा है पर ठीक लग रहा है। और बिंदी इन्होंने नहीं लगाई थी, वो तो मैंने अपने आप भी लगा लिया, मतलब मैंने बैक कैमरे लगा लिया, अपने आप ही बिंदी लगा लिया, टाइम भूल गए थे यार हम, फर्स्ट टाइम। हाँ, काजल इन्होंने बहुत ज्यादा नाम के लिए लगाया है, बहुत ज्यादा लाइट लगाया है, ये चीज मिस्टेक है। और इन्होंने कर्ल किया है, कर्ल तो मुझे ठीक ठीक लग रहा, क्योंकि हमको लग रहा है सॉफ्ट कर्ल सा किया है तो ठीक है। तो बहरहाल मैं ये नहीं कहूंगी कि इन्होंने बहुत बुरा किया है, इतना किया है कि ठीक ठाक लग रहा है मुझे, और बुरा नहीं है, मैं निकल भी सकती हूँ ऐसा मेकअप लगा करके, निकल भी सकती हूँ, मुझे तो बहुत कोई बुराई नहीं लग रही है। और जरूर बताइएगा मेकअप कैसा, नहीं नहीं अच्छा ही है, अच्छा ही है, अच्छा ही है, अच्छा ही है, और मैं बुराई नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे ओवरऑल सब कुछ ठीक लग रहा है। और ये थोड़ा इनको इसलिए थोड़ा बहुत आ गया है थोड़ा मेकअप करना, मैं आपको बता दूं कि पार्लर में ये मेरी मदद कराते रहते हैं, तो इनको थोड़ा बहुत मेकअप का आइडिया हो चुका है।